वंदे पुरुषोत्तम आलोचना प्रसंग भाग तीन से 13 फरवरी सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त प्रफुल्ल दास दा श्री श्री ठाकुर जी से पूछते हैं कि संसार में कर्मठ लोगों का तो अभाव नहीं है, तो क्या यह समझना हुआ कि जहाँ जितने कर्मठ व्यक्ति हैं वहाँ सभी धार्मिक हैं एवं उनके द्वारा ही धर्म का जागरण हो रहा है? श्री ठाकुर जी बोले, यदि ऐसी बात करते हो तो उस हिसाब से पागलों को ही सबसे बड़ा धार्मिक और धर्म प्रचारक कहा जा सकता है, क्योंकि अधिकांश पागल चुपचाप बैठे नहीं रह सकते, अच्छी तरह सो भी नहीं सकते हैं, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। यदि कुछ नहीं भी करेंगे तो मुख से बकबक करते रहेंगे। असाधारण कर्मठ लोगों में अनेकों को देखोगे कि वे लोग किसी न किसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर उसकी परिपूर्ति के धंधे में लगे रहते हैं। प्रायः जगहों में मान यश प्रभाव प्रतिपत्ति कामिनी कांचन इत्यादि ही प्रेरणा होते हैं। आत्मसुख कामना हेतु यह जो बेचैनी है वह एक तरह की पागलपनी ही है। आत्मसुख कामना हेतु जब तक मनुष्य आबद्ध रहता है तब तक उसका जीवन पशु जीवन की तरह है। धान के खेत को देखकर मवेशी पगहा तोड़कर दौड़ पड़ते हैं। उनके इस कर्म को देखकर यदि तुम महत्वपूर्ण धर्म कार्य नहीं समझते हो तो हीन प्रवृत्ति लालसा से जो व्यक्ति आकाश पाताल एक कर रहे हैं उनकी उस प्रचेष्टा को धर्म की अभिव्यक्ति क्यों सोच बैठोगे? कहने का सार यह है कि आत्मेंद्रिय प्रीत इच्छा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीत इच्छा धरे प्रेम नाम। अर्थात आत्मेंद्रिय प्रीत इच्छा को काम कहा जाता है, कृष्णेंद्रिय प्रीत इच्छा को प्रेम कहा जाता है। कृष्णेंद्रिय प्रीति काम होकर अपनी तथा दूसरे की सत्ता संवर्धना के लिए जो बोल चाल चिंता और कर्म है उसे ही धर्म कार्य कह सकते हो। एतान्म अस्तथाने शाम जीवनम वर्धनम चापि सिद्ध्रियते स धर्म। यदि मनुष्य इष्टमुखी नहीं होता है, उत्समुखी नहीं होता है, सत्तामुखी नहीं होता है, कारणमुखी नहीं होता है, ईश्वरमुखी नहीं होता है, तो उसे प्रवृत्तमुखी बनना ही होगा। जितने दिनों तक वह प्रवृत्ति के कबल में रहेगा उतने दिनों तक वह अपना हो या दूसरे का हो सत्ता को पुष्ट नहीं कर उठा सकेगा, अर्थात सत्ता की सेवा में नहीं लग सकेगा। सत्ता को लेकर ही धर्म का कारोबार है। आत्मसत्ता में स्थिति प्राप्त कर दूसरे की सत्ता का यदि मनुष्य पोषण नहीं कर सका तो चाहे वह जितना जो भी करे उसका मूल्य ही क्या है। यदि वह महाशक्ति का आधार भी होता है, विश्वकर्मा की तरह कर्मठ भी होता है, तो उसके उस कर्म का कोई स्थायी मूल्य नहीं है। जो सत्ताधारी है वे धर्म के पक्ष में रहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ सहजात कर्म जिसका जो है वही करो, किंतु सत्ता में संस्थित होकर सत्ता को संपुष्ट करने हेतु ही, तभी तो वह धर्म होगा। सत्ता में संस्थित होने का अर्थ है इष्ट में संस्थित होना, अन्यथा सत्ता का बोध नहीं गाता है। शिक्षक वकील डॉक्टर मुख्तार धोबी हजाम लोहार कुम्हार दुकानदार नौकरी करने वाला कृषक नेता राजा वजीर मजदूर चाहे जो भी हो, प्रत्येक का कर्म ही धर्म हो सकता है यदि वह इष्ट की प्रीति तथा आराधना के लिए होता है, इष्टार्थी लोक सेवा के लिए होता है। तभी देख पाओगे प्रत्येक कार्य के द्वारा उसकी अपनी और दूसरे की सत्ता में रस सिंचन होता रहेगा। सर हिलाते हुए बोले, उस समय देखोगे सुख किसे कहते हैं, घर घर में घट घट में सभी परमात्मी को ढूंढोगे, जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है वही बन जाओगे। तुम लोग ही तो यह गीत गाते हो, प्रेमेर राजा प्रेमेर राज्य प्रेमेर सिंहासन ओतार प्रेमेर दंड प्रेमेरई शासन। श्री ठाकुर का चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह कोमल कमनीय मधुर और रंजित हो गया है। उनके श्रीअंग से अपरूप शोभा छिटक रही है।
यह चेहरा देखते ही मनुष्य को प्रेम करने की इच्छा जगती है, आदर यत्न करने की इच्छा होती है। प्यारीदा ने तंबाकू भर कर दिया। सिसी ठाकुर तंबाकू पीते हुए बोले, देखो प्यारी, मेरा पेट भारी लगता है, कल रात्रि में पेट में वायु भर गई। प्यारीदा बोले, यह कैसे हुआ, पेट तो अच्छा ही था। सिसी ठाकुर बोले, यह क्यों कहते हो, कल रात में भात के साथ एक कटोरा पायस भी खा लिया था, कोई मीठी चीज मिलते ही कितना क्या खा लेता हूँ उसका कुछ ख्याल ही नहीं रहता है। प्यारीदा बोले, खाया है तो अच्छा ही किया है, खाए बगैर आपका पेट कमजोर हो रहा था, आपको जो अच्छा लगे वही खाएं, जिस दिन कुछ अधिक खा लें तो तत्क्षण मुझे कह दें, खाने के बाद कुछ दवा खाने पर ही हजम हो जाएगा। सिसी ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, तुमने अच्छा ही रास्ता बताया, यह मेरा अहोभाग्य है कि सोने जैसे बंगाल देश में मैंने जन्म लिया। मेरी इच्छा यह है कि यहाँ का अन्न जल रोशनी हवा खान पान स्नेह प्रीति प्राकृतिक माधुर्य को जी भर का उपभोग करता रहूँ। थोड़ा रुक कर बोले, यह मेरी कट्टरता है या नहीं नहीं कह सकता, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बंगाली को दुनिया में कुछ महान वस्तु देना है। बंगाल जगने पर भारत जगेगा और भारत जगने पर जगत जगेगा, इसलिए प्रथम बंगाल में खूब अच्छी तरह काम होना चाहिए। तुम लोगों ने भी बहुत कुछ किया भी है, हाल ही में तो कितने नए जिलों में तुम लोग गए हो, पत्रों के जरिए जो खबर पाता हूँ उससे मेरे दिल में आशा बधी रहती है, भरोसा भी हुआ है और होगा क्यों नहीं, खून तो अब तक खत्म नहीं हुआ है। तुम लोग तो मनुष्य के दिल की बातों को ही उनके सामने लाकर रख देते हो, यदि इस तरह चलते रहो एवं और भी कर्मी जुटा सको तो देखोगे कि देश कितना आगे की ओर बढ़ रहा है। पराधीनता की बेड़ी टूटने के पश्चात अधिक देर नहीं होगी, यदि हम हर विषय में संगत शक्तिमान और दक्षशील हो उठें, हमारे अस्तित्व के हित में जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो अव्यर्थ हैं बाधक हैं, वे प्रकृति के विधानानुसार ही सूखे पत्ते की तरह झड़कर गिर पड़ेंगे। इसलिए तुम लोगों को मैं यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तैनी और सदाचार की बातों का प्रचार प्रसार करने कहता हूँ, यदि प्रसार कर दो तो देखोगे कि इसकी नींव पर ही सब कुछ विकसित होगा, इसके सुदूर प्रसारी फल को तत्काल नहीं समझ सकोगे, बाद में समझोगे, अभी सिर्फ बीज छींटते जाओ, मनुष्य को विकसित करो, इसलिए मूल चीज है दीक्षा। प्रफुल्ल को लक्ष्य कर कहने लगे, तुम्हारा काम खूब अच्छा हो रहा है, अब यह ख्याल रखो कि दीक्षा देने के बाद ही जिससे मनुष्य को आश्रम भेज सको, फिजिकल कनेक्शन स्थूल संसारों में आने के पहले यदि स्पिरिचुअल कनेक्शन आध्यात्मिक संयोग कर दो तो उस व्यक्ति का यहाँ आना भी सफल होगा। इस बात को इस प्रकार रखोगे कि जिससे वह दीक्षा के लिए व्याकुल हो उठे। दीक्षा ही है नव जन्म, जिसे द्विजत्व लाभ कहते हैं, इससे ही मनुष्य की इष्ट चलन का सूत्रपात होता है, उसके पहले अनिष्ट के साथ मित्रता करते हुए मनुष्य चलता है, इसलिए दीक्षा लेने का आग्रह यदि मनुष्य में नहीं जगा सके तो तुम्हारा याजन पूर्णांग नहीं कहा जा सकता है, तुम्हारे जरिए उसका कोई भी उपकार नहीं होगा। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व से कन्विंस विश्वास जमाए किए बगैर यदि आश्रम में आने का प्रस्ताव करो तो याजन में कच्चे रह जाओगे। दीक्षा का मूड भाव जब ही आए तभी यदि दीक्षा नहीं दो तो नाना तरह की विचार विवेचनाओं से दीक्षा से वंचित कर देंगी, इसलिए बुद्धिमान की तरह निःसंकोच हो प्रत्येक मनुष्य के साथ आगे बढ़ोगे। कौन क्या कहेगा क्या सोचेगा, यदि इस प्रकार द्विधाग्रस्त ढंग से चलोगे तो उसका फल अच्छा नहीं होगा। तुम लोगों का व्यक्तित्व इतना विराट होना चाहिए कि कोई भी मनुष्य तुम्हारे संपर्क में आकर अपने को धन्य समझे। यह स्मरण रखो कि तुम लोग परम पिता के दूत हो, तुम्हें काबू में रखने का मनुष्य के ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है, बल्कि तुम्हारा ऐसा सामर्थ्य है कि मनुष्य को अपने काबू में रख सको, क्योंकि तुम जिस धन से धनी हो वह धन उन्हें नहीं है पर उन्हें उसकी आवश्यकता है, किंतु तुम लोग उनके निकट किसी प्रकार से कंगाल नहीं हो,
यदि कंगाल भी हो तो उनके मंगल के लिए ही हो। इसलिए तुम लोगों को देखकर ही मनुष्य कहने को मजबूर होंगे, जे धने हया धनी मड़ी रे, मान ना मड़ी मागी आमी तहाराई खनिक। अर्थात जिस धन से धनी होकर तुम मड़ी को मड़ी नहीं समझते, मैं भी उसी का एक अंश तुमसे मांगता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी नई जगह पर जाओ, वहाँ यदि ग्रुप दल बनाकर अच्छी तरह काम शुरू किए बगैर यदि नहीं आ सको तो वह काम वैसा जमाट नहीं बांध सकेगा, फल भी नष्ट हो जाएगा। स्मरण रखो कि समाज के प्रधान व्यक्तियों में ही कर्मी चयन करना होगा, कार्यकर्ता चयन करना ही तुम लोगों का प्रधान कार्य है। किसी जगह पर अधिक दिन लगे तो भी वहाँ सॉलिड ठोस काम किए बगैर वहाँ से अन्यत्र न जाओ। तुम जो कांग्रेस, कम्युनिस्ट, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, स्कूल, कॉलेज, बार, लाइब्रेरी, व्यवसायी समाज, म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, स्थानीय शासक, विभिन्न प्रतिष्ठान, संप्रदाय और समाज के नेताओं के साथ भेंट मुलाकात कर पूरी तरह आलाप आलोचना कर रहे हो, यह खूब अच्छी बात है। जिन जगहों से लौट कर आए यदि पुनः वहाँ जाओ तो उन लोगों के निकट इस प्रकार जाओगे मानो भी यह अनुभव करें कि एक देवता का ही आविर्भाव हुआ है। लाइक ए डिवाइन फ्लैश, एक दिव्य उच्छ्वास की तरह खूब ट्यूनिंग, इष्ट के साथ एकाएक तांता रहने पर ऐसा ही होता है। लोग ऐसा महसूस करें कि तुम्हारी अनुपस्थिति एवं तुम्हें खोने पर तुम्हें बड़ी क्षति होगी, तुम लोगों के लिए उन्हें हमेशा भूख लगी रहे। प्रफुल्लदा बोले, ऐसे अनेक शिक्षित लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। श्री ठाकुर जी बोले, वे तो करेंगे ही, किंतु किसी की बातों का प्रतिवाद करने में हम शब्द का व्यवहार करोगे, कहोगे जब बी कमिंग विवर्धन की चाह हमारी मलिन हो जाती है, इष्ट और कृष्ट के संस्पर्श से च्युत होकर जब हम कल्चरल कॉन्क्वेस्ट कृष्टिगत प्रभाव में हम जब विमूढ़ हो जाते हैं तो अज्ञात भाव से हमारी बुद्धि और बोध विकृति हो जाती है। किसी पर अपनी बातों से आघात किए बगैर अपनी बातों को इस प्रकार रखना चाहिए जिससे मनुष्य का मस्तिष्क साफ हो जाए। स्वयं जैसा करोगे दूसरे कार्यकर्ताओं को भी उसी प्रकार बनाओगे। यदि कर्मियों को तैयार नहीं करो तो यह अकेले काम करना संभव नहीं है। तुम और शरतदा टर्निंग बैच भ्राम्यमान दल के हेड प्रधान के रूप में ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन दृष्टांत रखो जिससे प्रत्येक कर्मी उपकृत हों। प्रफुल्लदा बोले, मैं और क्या सिखाऊंगा, मुझे स्वयं फील्ड वर्कर बाहर के कर्मियों से बहुत कुछ सीखना है। श्री ठाकुर जी बोले, तुम वर्षों लगातार यहाँ रह चुके हो, केष्टोदा के निकट वास्तविक रूप से सीखे, क्या उसका मूल्य नहीं है। आलोचना प्रसंग भाग 3 से के पेज संख्या 155 से 160 तक। जय गुरु।